तो आज हम इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली 15 सबसे बड़ी मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2024 से लेकर 2026 तक रिलीज होगी। इस लिस्ट की हर एक फिल्म बहुत बड़ी है और ये सभी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर 15 पर है वेलकम टू द जंगल। ये वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म होने वाली है और इस बार वेलकम सीरीज की इस फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में हमें बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। ये एक फुल कॉमेडी एक्शन एडवेंचर मूवी होने वाली है, जो कि 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। नंबर 14 पर है कंगवा। ये फिल्म एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसको शिरू ताई शिवा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में सूर्या के साथ दिशा पटानी फीमेल लीड में है और इस फिल्म में बॉबी देओल एक खतरनाक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए है और ये फिल्म 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। इस मूवी की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये मूवी 2024 में रिलीज होगी। नंबर 13 पर है पुष्पा 2। ये मूवी अल्लू अर्जुन की आने वाली एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है और ये मूवी पुष्पा पार्ट 1 से भी ज्यादा शानदार होने वाली है। इस मूवी को सुकुमार बना रहे हैं, जिन्होंने पुष्पा पार्ट 1 को भी डायरेक्ट किया है। इस मूवी में पुष्पा भाव के साथ श्रीवल्ली लीड रोल में दिखाई देगी। इस मूवी का बजट 500 करोड़ रुपए है। ये मूवी रिलीज होगी 15 अगस्त 2024 को। नंबर 12 पर है वॉर 2। ये मूवी ऋतिक रोशन की सबसे मच अवेटेड फिल्म है। इसके लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इस मूवी के लीड रोल में इनके साथ नजर आएंगे जूनियर एनटीआर। फिल्म की फीमेल लीड कियारा आडवाणी होगी। जूनियर एनटीआर इस फिल्म में एक खतरनाक विलन के रोल में दिखाई देंगे। इस बार ऋतिक रोशन का सामना जूनियर एनटीआर के साथ होने वाला है। वही पार्ट 1 के विलन टाइगर श्रॉफ थे। इस मूवी को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस मूवी की हाइप काफी तगड़ी बनी हुई है। ये मूवी रिलीज होगी 14 अगस्त 2025 को। नंबर 11 पर है कल की 2898 एडी। ये फिल्म प्रभास के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी, जिसका बजट 600 करोड़ का होगा। ये फिल्म इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। ये फिल्म एक एपिक साइंस फिक्शन डिस्टोपियन फिल्म होगी, जिस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर टैलेंटेड नाग अश्विन है। फिल्म के प्रोड्यूसर सी अश्विनी दत्त है। इस फिल्म में प्रभास के साथ सॉलिड स्टार कास्ट देखने को मिलेगी, जैसे कि अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी। ये फिल्म रिलीज होगी 27 जून 2024 को। व्हाट इज प्रोजेक्ट के? नंबर 10 पर है सिकंदर। ये फिल्म सलमान खान के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसका बजट 400 करोड़ है। इस फिल्म में सलमान खान को बहुत ही यूनिक दिखाया जाने वाला है। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे एआर मुर्गा दोस और प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाडियाडवाला। इस फिल्म का म्यूजिक प्रीतम कंपोज करेंगे और भाई इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिखाई देगी साउथ की बड़ी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। ये फिल्म रिलीज होगी 2025 ईद के मौके पर। नंबर 9 पर है पठान 2। पठान मूवी की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद पठान 2 भी आ रही है, जिसमें हमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण लीड रोल में दिखाई देंगे और विलन के कैरेक्टर के लिए साउथ के किसी बड़े स्टार को चुना जाएगा। पठान मूवी को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था, लेकिन पठान 2 को दूसरा डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा। ये फिल्म 2026 तक रिलीज होगी। जय हिंद। नंबर 8 पर है स्पिरिट। स्पिरिट फिल्म प्रभास की आने वाली बड़ी फिल्म है, जिसके लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा है, जो कि एनिमल और कबीर सिंह जैसी ताबड़तोड़ कमाई करने वाली मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। ये फिल्म एक कोप एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिस फिल्म के अंदर भी हमको भरपूर वायलेंस देखने को मिलेगा। ये फिल्म हमको 2025 की एंडिंग या फिर 2026 की संक्रांति तक देखने को मिलेगी। नंबर 7 पर है हेरा फेरी 3। ये फिल्म हेरा फेरी सीरीज का थर्ड पार्ट होने वाली है, जिसका फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में हमें एक बार फिर से अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की आइकॉनिक जोड़ी देखने को मिलेगी। फिल्म में संजय दत्त नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे, जो कि अंदर डोन के रोल में होंगे। ये कॉमेडी फिल्म 2025 तक आने वाली है। नंबर 6 पर है शक्तिमान। शक्तिमान फिल्म इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली मच अवेटेड सुपर हीरो फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म का पूरा इंडिया वेट कर रहा है। इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट लगभग 2 साल पहले ही हो चुकी है। ये फिल्म टोटल 3 पार्ट्स में आने वाली है। हर एक फिल्म को 200 करोड़ से 300 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। ये मच अवेटेड सुपर हीरो एक्शन फिल्म के अंदर रणवीर सिंह लीड रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म को मिनल मुरली फिल्म के डायरेक्टर बेसिल जोसेफ डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म रिलीज होगी 2025 या फिर 2026 तक। नंबर 5 पर है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। ये फिल्म रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म है। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण के साथ कई सारे एक्टर्स दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में शिवा के पिता देव की स्टोरी दिखाई जाएगी। ब्रह्मास्त्र 2 फिल्म पहले पार्ट से 10 गुनी बड़ी फिल्म होगी, ऐसा रणबीर कपूर कह चुके हैं। ये फिल्म 2022 में आई हिट फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का सिक्वल होगी। इस मच अवेटेड फिल्म को अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे। वही बात करें रिलीज डेट की, तो ये फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज होगी। नंबर
नंबर 4 पर है SS MB 29। डायरेक्टर SS राजामौली की सुपरस्टार महेश बाबू के साथ एक बड़ी फिल्म आने वाली है, जो कि एक मेगा बजट फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ है। ये फिल्म 3 पार्ट्स में आने वाली है। ये फिल्म एक जंगल एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। इस फिल्म में हमें महेश बाबू एकदम हटके रोल में दिखाई देने वाले है। डायरेक्शन देने वाले है SS राजामौली, जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। इस फिल्म की स्टोरी KV विजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। ये डायरेक्टर SS राजामौली के पिता है, जिन्होंने बाहुबली, मणिकर्णिका, ट्रिपल आर और बजरंगी भाईजान जैसी ग्रेटेस्ट फिल्मों की कहानी लिख चुके हैं। ये फिल्म हमें देखने को मिलेगी 2025 या फिर 2026 तक। नंबर 3 पर है एनिमल पार्क। एनिमल पार्क इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटीसिपेटेड सिक्वल फिल्मों में से एक है। एनिमल पार्क की डिमांड काफी ज्यादा है, क्योंकि एनिमल के एंड में जिस तरह से रणबीर कपूर को दिखाया गया था, उसे लोगों ने काफी पसंद किया था, और तभी से लोग एनिमल पार्क का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डीवांगा का कहना है कि एनिमल पार्क एनिमल से भी ज्यादा खतरनाक होगी। और भाई, इस बार एनिमल पार्क में रणबीर कपूर के साथ खुद रणबीर कपूर भिड़ते हुए नजर आएंगे, जो कि इस मूवी को और भी ज्यादा खूंखार बनाएगा। एनिमल पार्क हमें 2026 तक देखने को मिलेगी। नंबर 2 पर आती है क्रिश 4। ये फिल्म क्रिश फ्रेंचाइज की 4th फिल्म होने वाली है। कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3 के बाद ये ऋतिक रोशन की सबसे मच अवेटेड फिल्म है, जिसके लिए सभी लोग काफी सालों से वेट कर रहे हैं। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं, और क्रिश 4 का प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है। इस फिल्म की कहानी एकदम मेजिकल होगी, ऐसा राकेश रोशन ने कहा है, जो कि क्रिश फ्रेंचाइज की पिछली 3 फिल्मों को डायरेक्ट किए थे। ये फिल्म हमें 2025 या फिर 2026 तक देखने को मिलेगी। नंबर 1 पर आती है KGF 3। ये फिल्म रॉकिंग स्टार यश की सबसे मच अवेटेड फिल्म है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर KGF फ्रेंचाइज की 3rd फिल्म होगी। पहली फिल्म 2018 में, वही दूसरी फिल्म 2022 में आई थी। दोनों मूवी बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। इस फिल्म में हमेशा की तरह यश रॉकी भाई के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म को प्रशांत नील डायरेक्ट करने वाले है, जो कि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को डायरेक्ट किए थे। फिल्म की कहानी 1978 से लेकर 1981 तक बेस्ड होगी। इसी 3 साल पर KGF 3 बेस्ड होने वाली है। ये 3 साल अपने रॉकी भाई कहां थे, ये हमको KGF 3 में पता चलेगा। KGF 3 हमको 2026 तक देखने को मिल सकती है। तो ये थी 15 आने वाली बड़ी फिल्में, जो कि 2024 से लेकर 2026 तक आने वाली है। तो आप सब किस फिल्म का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, कमेंट करके बताओ।